नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो बच्ची काफ़ी सारे लोगों की बातें ताने सब कुछ सुनते सुनते खुद में इतनी ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी और उस भूल का भुगतान उसे कई सालों तक करना पड़ा। आज की कहानी है सिट्टू की, जिसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था पिंकी। सिट्टू के जन्म के पहले उसके माता पिता काफ़ी खुश थे क्योंकि वो अपने घर की होने वाली पहली संतान थी, लेकिन सिट्टू के जन्म के बाद उसके माता पिता की वो खुशी थोड़ी सी उदासी में बदल गई, क्योंकि सिट्टू का जब जन्म हुआ तब सिट्टू अपने परिवार वालों से देखने में काफ़ी अलग थी। मतलब परिवार वालों के हिसाब से उसका रूप रंग नाक नक्श सब कुछ काफ़ी अलग था। इस वजह से माता पिता को जब अपनी बच्ची को उन्होंने देखा वो खुशी नहीं मिली जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। माता पिता के लिए बच्चे तो चाहे जैसे भी हों प्यारे ही होते हैं, लेकिन ये प्यार थोड़ा कम हो गया और बट गया जब उसकी छोटी बहन पिंकी का जन्म हुआ, क्योंकि पिंकी रूप रंग में नाक नक्शे में बिल्कुल वैसी थी जैसी बच्ची माता पिता को चाहिए थी। माता पिता का झुकाव अपनी छोटी बेटी के तरफ ज़्यादा बढ़ गया और घर पर ये बदलाव देखकर धीरे धीरे मोहल्ले वाले लोग भी सिट्टू को अलग तरीके से ट्रीट किया करते थे और पिंकी को अलग तरीके से। यही ट्रीटमेंट उसे हर जगह पर मिलता था, मतलब स्कूल्स में, बाहर मोहल्ले में और तो और घर में भी, जिसके वजह से जब तक वो बच्ची ना समझती तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सिट्टू के अंदर समझदारी आती गई, ये चीज़ें उसे अब तकलीफ देने लगी। उसे ये बातें सुनकर काफ़ी हर्ट होता था, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों को या फिर अपने क्लासमेट्स आसपास के लोगों को ये बताती पिंकी को दिखाकर कि ये उसकी बहन है और ये उसके माता पिता, वो बच्चे भी या आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। तुम इनकी बेटी और इनकी बहन हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। यही बातें सुनते सुनते अब वो लगभग 8th class में पहुंच चुकी थी। उसकी समझदारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे इन सारी चीज़ों से अब पहले से ज़्यादा ठेस पहुंचने लगी थी। धीरे धीरे ये चीज़ें अब उसके दिल में घर करने लगी थी। वो अब खुद को अकेला महसूस करती थी। हर किसी के साथ होते हुए भी अब उसने लोगों से बातें करना, मिलना जुलना, घुलना मिलना सब कुछ कम कर दिया था। उसके दोस्त भी सारे छूट चुके थे, क्योंकि उसने खुद ही अपने दोस्तों से एक वाजिब दूरी बना रखी थी, क्योंकि हर बात पे उसे हमेशा कोई ना कोई उसके रूप रंग का ताना दे ही दिया करता था। अब अकेले में हमेशा उसके मन में कोई ना कोई सवाल और उथल पुथल चलता ही रहता था। उसके मन में ऐसे ढेर सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे किसी से भी नहीं मिलते, या फिर जब वो किसी से सवाल करने की कोशिश करती तो लोग उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। इस वजह से अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। एक दिन की बात है, वो ऐसे ही अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और अचानक उसने अपने कुछ दोस्तों की बातें सुनी और उसने ये सुना कि किसी तरह से आत्माओं को बुलाकर उनसे बात की जा सकती है, उनसे अपने सारे सवालों का
जवाब मिल सकता है, और तो और वो कई सारी चीजों में आपकी मदद भी कर सकते हैं। ये सारी बातें उसने अधूरी ही सुनी थी। उसके बाद से सिट्टू के सर पर जैसे ये जुनून सा सवार हो गया कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही किसी आत्मा को बुलाएगी और उससे ही वो बातें करेगी। अगर वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगी तो सिट्टू के ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर अब कोई दोस्त होगा या बनेगा तो वो वही आत्मा होगी। सिट्टू ने इस चीज़ के लिए अब रिसर्च करना शुरू कर दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी से इस बारे में कुछ भी डिस्कस किए। वो हर जगह से किताबें ढूंढ ढूंढ कर अब पढ़ने लगी, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगी। ऐसा करते करते लगभग उसे एक साल बीत चुका था और आखिरकार अब उसे वो रास्ता भी मिल चुका था जिससे वो आत्माओं को बुलाकर उनसे बात कर सकती थी और उनसे अपने सवालों के जवाब ले सकती थी। वो रास्ता था प्लैंचेट का, और अब इस रास्ते पर चलने के लिए उसे कोई भी रोकने, समझाने या मना करने वाला तो था ही नहीं, क्योंकि उसने इतने दिनों में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो क्या सोच रही है या क्या करने वाली है। अब जब उसके हिसाब से उसके पास इन चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठी हो चुकी थी, और तो और उसके हिसाब से वो पूरी तरह तैयार थी आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करने के लिए, उनसे सवाल जवाब करने के लिए, फिर क्या था। सिट्टू बस अब उस दिन के इंतज़ार में थी जिस दिन उसे घर पर अकेला रहने को मिल जाए और वो अकेले में ये सारी चीज़ें कर सके। इस वजह से एक दिन उसके इस इंतज़ार का फल भी उसे मिल गया। उसके घर वाले उसके किसी रिश्तेदार के शादी में जाने वाले थे और उसमें जाने के लिए उन्होंने सिट्टू को भी कहा, लेकिन सिट्टू ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तो और उसे उसकी पढ़ाई भी करनी है। घर वालों ने भी इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि घर वालों को भी कहीं ना कहीं उसको हर जगह ले जाकर 10 लोगों के सवालों के जवाब देना बार बार अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से वो आज उसे घर पर अकेला छोड़कर जा चुके थे। सिट्टू ने अब अपने हाथ से ही वो प्लैंचेट बनाकर तैयार किया और पूरी तैयारी के साथ कैंडल्स लगाकर कॉइन लेकर अपने कमरे में आत्माओं का आवाहन करने के लिए बैठ चुकी थी। उसने जो भी जानकारी इकट्ठी की थी उसके हिसाब से सारी तैयारी करके वो अब उस प्लैंचेट के सामने बैठी हुई थी। उसने आवाहन करना शुरू किया। आवाहन करने के थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वहाँ पर कोई आत्मा आ चुकी है। उसने तुरंत सवाल किया, तुम यहाँ पर हो? उसे जवाब हाँ मिला। फिर उसने ये पूछा, तुम कहाँ से आई हो? उसे इस चीज़ का भी जवाब मिल चुका था और अब वो अपने सवाल पूछने के लिए तैयार थी। वो बस अपना पहला सवाल करने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी, और दरवाजे की घंटी बजने के वजह से उसने डर के मारे सारे कैंडल्स बुझा दिए। उस प्लैंचेट को तुरंत ही फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े किए और टॉयलेट में ले जाकर फ्लश करके बहा दिया। भागती हुई तेज तेज दरवाजे की तरफ गई और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने सामने देखा उसके माता पिता, जो कि अगली सुबह लौटने वाले थे, वो घर पर आ चुके थे। उसने पूछा भी कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर माता पिता ने यही कहा कि उनका मन नहीं लग रहा था और तुम्हारे पिता की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हम आ गए।
कोई बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। ये सुनकर सिट्टू अपने कमरे में तो आ चुकी थी, लेकिन अब उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चलने लगी कि वो उस क्रिया को अधूरे में छोड़कर उठ गई, इस वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसने इस बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं की थी। उसने तो इस बारे में कुछ प्लान ही नहीं किया था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि क्रिया बीच में अधूरी रह जाए तो इसका क्या अंजाम होता है। इस वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते कुछ समय निकल चुका था, लगभग एक महीना बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज़ के वजह से अब वो निश्चिंत हो चुकी थी कि ये क्रिया अब अधूरी थी, लेकिन उसके वजह से कोई नुकसान नहीं होता होगा। इस चीज़ के लिए अब वो निश्चिंत हो चुकी थी, लेकिन अब उसे इंतज़ार था दोबारा से ऐसे किसी मौके का जिसमें वो ये क्रिया कर सके, क्योंकि उसने जब पहली बार ये क्रिया की तो उसे उस आत्मा से इतना तो पता चला कि वो वहाँ उसके बुलाने पर आ गई थी, शायद वो उसके सवालों का जवाब भी दे देती, लेकिन क्रिया बीच में रोकने के वजह से वो अपने सवाल नहीं पूछ पाई। अब उसे दोबारा जब भी ये क्रिया करनी थी, उसका मन यही था कि वो इस क्रिया को पूरी तरह से खत्म करे ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। कुछ महीने और बीतने के बाद फिर से उसे ऐसा मौका मिल गया। वो घर पर आज अकेली थी। उसने ये क्रिया शुरू कर दी। क्रिया शुरू करते ही जैसे पिछली बार तुरंत उसे ये एहसास हो गया था कि कोई उसके साथ उसके कमरे में आ चुका है, वही चीज़ इस बार भी हुई। तुरंत उसके बुलाने पर वहाँ एक आत्मा आ चुकी थी जिसने उसे ये जवाब भी दिया कि वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब उसके सवाल पूछने की बारी थी। उसने अपने सवाल पूछना जैसे ही शुरू किया, उस आत्मा ने जवाब देने के बजाय बार बार उससे कहना शुरू किया कि वो उससे कुछ चाहती है। ये चीज़ें उसके डिक्शनरी में तो थी ही नहीं, क्योंकि उसने जितनी भी जानकारी हासिल की थी उसे सिर्फ इतना ही पता था कि वो सवाल कर सकती है, वो कुछ मांग सकती है, वो पूछ सकती है, लेकिन आत्माएं भी ऐसा करेंगी ये बात उसके लिए बिल्कुल नई थी। और इस बात पर उसे क्या करना था, कैसे करना था, ये उसे बिल्कुल नहीं पता था। इस वजह से उसने उस आत्मा को वहाँ से भेजने की कोशिश करना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार गुड बाय करने पर भी वो आत्मा वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब सिट्टू को डर लगने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि बार बार उसे उसके कमरे में उस आत्मा की झलक नज़र आ रही थी, जो कि इससे पहली बार नहीं हुआ था। और उस झलक को देखते ही उस आत्मा का भयानक रूप देखकर वो पूरी तरह से अंदर से हिल चुकी थी, क्योंकि चाहे जो भी हो, वो थी तो एक छोटी बच्ची ही। उसके लिए इतना भयानक किसी का रूप देखना उसके सोच से कहीं परे था, जो कि अब वो देख चुकी थी। वो पूरी तरह से डर के मारे कांप रही थी, वो बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उस आत्मा को वहाँ से जाने के लिए आग्रह कर रही थी, लेकिन वो आत्मा जाने को तैयार नहीं थी। काफ़ी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद वो बच्ची डर कर बेहोश हो गई, और जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने उसके माता पिता, उसकी बहन, सारे लोग मौजूद थे और सब उसे शक की निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वो इस तरह से ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी।
माता पिता ने पहले तो उसकी तबीयत पूछी। उसने कहा वो ठीक है। डॉक्टर को भी बुलाया गया, चेक करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि हो सकता है बीपी लो होने के वजह से वो बेहोश हो गई हो। और कहीं ना कहीं डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसे अब हर जगह पर उस आत्मा के अपने साथ होने का एहसास होने लगा। वो चाहे जहाँ कहीं भी जाए, वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। वो बार बार अकेले में अब उस आत्मा को खुद से दूर करने की कोशिश किया करती थी। वो उसे यही बोलती, तुम जाओ, तुम चली जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो आत्मा अपने होने का हर बार उसे एहसास दिलाकर डरा दिया करती थी। इसी डर के वजह से धीरे धीरे अब सिट्टू की हालत खराब होने लगी। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। आखिरकार कुछ समय बाद उसने बिस्तर पकड़ लिया और अब स्कूल जाना भी बंद हो चुका था। डॉक्टर्स टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस बच्ची को हुआ क्या है। डॉक्टर के टेस्ट करवाते रहने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर अपने समझ से सारी दवाइयाँ दसों बार बदल बदल कर उस बच्ची को दे चुके थे, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सिट्टू बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसे बार बार जगाने पर भी वो उठ नहीं रही थी। आखिरकार माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत बच्ची को एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने माता पिता को ये बता दिया कि बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो अब कोमा में जा चुकी है। वो इस कोमा से बाहर आएगी भी या नहीं, ये भी कहना काफ़ी मुश्किल है। ये तो पता नहीं चल रहा कि उसे क्या बीमारी है, लेकिन उस बीमारी के वजह से वो धीरे धीरे अंदर से अपने जीने की उम्मीद खोती जा रही है, जिसके वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि वो कभी कोमा से बाहर ही ना आए। और तो और कुछ समय बाद ये भी हो सकता है कि अगर वो कोमा से बाहर नहीं आएगी तो उसकी जान चली जाएगी। ये बात सुनते ही माता पिता को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमें किसी की कीमत तभी महसूस होती है जब हमें उसे खोने का डर सताने लगे। अब यही चीज सबके साथ होने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल को पता चल चुकी थी। उसके स्कूल से सारे लोग बारी बारी उसे देखने के लिए आने लगे। माता पिता का यहाँ रो रो कर बुरा हाल था। छोटी बहन भी आज अपनी दीदी के लिए तड़प रही थी, लेकिन आज वो ऐसी गहरी नींद में सो चुकी थी जिससे वो कभी जागेगी या नहीं, ये बात किसी के लिए भी समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो चुका था। क्योंकि उसके कोमा में जाने के बाद भी डॉक्टर्स ने अपनी जी तोड़ कोशिश की थी, लेकिन उसकी हालत अभी भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और आखिरकार एक दिन डॉक्टर्स को ऐसा लगा जैसे कि शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर्स ने ये बात जैसे ही माता पिता को बताई, तुरंत सामने मशीन पर वापस से हलचल शुरू हो गई और माता पिता ने इस चीज़ के लिए डॉक्टर को दोबारा चेक करने को कहा। डॉक्टर ने देखा जान उसमें अभी भी बाकी थी। डॉक्टर्स फिर से अपनी वही कोशिश में लग चुके थे कि बच्ची किसी भी तरह से इस कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। माता पिता अब तो डॉक्टर से अपनी उम्मीद हार चुके थे। उन्होंने भगवान के दरवाजे खटखटाना शुरू किया। माँ पिता
दोनों हर मंदिर में जाते, माथा टेकते और बच्ची के पास आकर कभी उसे टीका लगाते, कभी उसके मुंह पर प्रसाद छुआते, कभी उसके तकिए के नीचे भगवान के चरणों के फूल रखते। धीरे धीरे 20 दिन बीतने के बाद अब अचानक से एक दिन उसे होश आ गया। वो उस गहरी नींद से जाग चुकी थी। ये चीज़ देखते ही तुरंत माता पिता के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डॉक्टर्स को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर्स भी कहीं जहाँ पर हार जाते हैं वो ये जानते हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती, कभी कभी वहाँ पर दुआ काम कर जाती है। कुछ ही दिन में और काफ़ी जल्दी उसने बहुत अच्छी रिकवरी की और वो ठीक होकर वापस घर आ चुकी थी। घर पर वापस आने के बाद उसका ये एहसास, ये डर अभी तक उसके मन से गया नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज़ें कोमा में रहते हुए महसूस की थी जो चीज़ें उसे अब काफ़ी धुंधली याद थी। उसे ये बात तो याद थी कि उसने कुछ अलग सा देखा था, कुछ अलग जाना था, लेकिन क्या वो ये पूरी तरह से भूल चुकी थी। बार बार उस आत्मा का उसके आसपास होने का डर उसे अब पूरी तरह से परेशान कर रहा था। इस वजह से उसने ये सोचा कि शायद वो अपने इस घर को छोड़ दे तो वो शांति से रह सकती है। इस वजह से उसने अपने माता पिता से ये रिक्वेस्ट की कि वो अब बाहर जाना चाहती है। वैसे भी काफ़ी समय बीत चुका था, वो आत्मा हमेशा उसके साथ होती लेकिन उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो आखिरकार अपना शहर छोड़कर अब दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चली गई थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। काफ़ी सालों से उसका और उस आत्मा का साथ बना ही हुआ था। हमेशा वो आत्मा उसके आसपास होती, कभी उसे दिखकर डराती, कभी उसे छूकर डराती, कभी तो उसकी किसी चीज़ को बिगाड़कर। लेकिन अब धीरे धीरे उसका ये डर कम हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात समझ में आने लगी थी कि ये आत्मा उसे मारना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो चाहती क्या है, ये बात उसके समझ से बिल्कुल परे थी। कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में आने के बाद भी जब ये एहसास लगातार उसे होता रहा, तब वो ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि कहीं भी भागकर उसे इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इस वजह से आखिरकार उसने फाइनली वापस घर लौटकर अपने माता पिता से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने का तय कर लिया। वो वापस अपने घर आ गई थी और आज उसने अपने माता पिता को सारी बात बताने की ठान रखी थी। उसने अपने माता पिता से बात की, बात करके उन्हें शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें एक एक करके बताई और ये भी बताया कि कहीं ना कहीं उसके कोमा में जाने का यही रीज़न था और इसी वजह से वो मरते मरते बच गई। अब उसकी बात पर उसके माता पिता को भी विश्वास करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि अचानक उसकी हालत बिना किसी वजह के इतना ज़्यादा ख़राब हो जाना, और जैसे ही माता पिता ने भगवान का सहारा लिया, तुरंत बच्ची का इतनी जल्दी इतने बड़े बुरे हालात से निकलकर ठीक हो जाना, माता पिता के लिए भी ये चीज़ें समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। इस वजह से माता पिता ने एक बार में ही अपनी बच्ची की बात मान ली और उन्होंने ये कहा कि बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू ये बात हमें पहले भी बता सकती थी, और तू अगर ये बात हमें शायद पहले बता देती तो तुझे अकेले इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना ही नहीं पड़ता। और ये बात सुनते ही सिट्टू तुरंत रोते रोते अपने माता पिता के गले लग गई
और उसने कहा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आप लोग मेरी बात पर भरोसा करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे। इसी डर के वजह से मैंने आज तक ये बात सबसे छुपा कर रखी। ये बात सुनते ही माता पिता को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि शायद इसमें थोड़ी बहुत गलती उनकी भी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची का विश्वास पूरी तरह से जीता ही नहीं। अब जबकि सारी बात सबके सामने थी, अगले ही दिन पिता तुरंत अपने जानने वाले एक पंडित जी के पास पहुंच गए, और पहुंचते ही उन्हें सारी की सारी बातें उन्होंने शुरू से लेके अंत तक जैसे सिट्टू ने बताई थी, ठीक वैसे की वैसी सारी बातें बता दी। पंडित जी ने सारी बातें सुनते ही तुरंत कहा कि ये अगर ऐसा है, इसका मतलब सच में वो आत्मा उसे मारना नहीं चाहती। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि वो उस बच्ची से चाहती है। वो बच्ची उस आत्मा से डर जाती है, इस वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही। अब सिट्टू को कहिए वो उस आत्मा को खुलकर उसके सामने आने के लिए कहे और वो उससे बात करे। मैं भी वहीं पर रहूँगा और इस क्रिया में जो भी संकट आएगा वो मैं बच्ची तक आने नहीं दूंगा। और पंडित जी अपनी तैयारी के साथ वहाँ उनके घर पर पहुँच चुके थे। सिट्टू को जब ये करने के लिए कहा गया, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन पंडित जी ने भरोसा दिलाया कि बेटा, वो आत्मा तुझे छू भी नहीं पाएगी। मैं तुझे एक घेरे में खड़ा कर रहा हूँ, तू बस उसे बुला, क्योंकि वो आत्मा तेरे बुलाने पर आई थी तो वो तेरे बुलाने पर तेरे सामने खुलकर अपने आप आ जाएगी। और तू उससे पूछ कि वो यहाँ तेरे साथ इतने सालों से क्यों बनी हुई है। अब जबकि सिट्टू को ये पता था उसके साथ उसके माता पिता तो हैं ही, और तो और पंडित जी भी उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं उसने अपने डर पर काबू किया और पंडित जी के बनाए हुए उस घेरे में आकर खड़ी हो गई और उसने उस आत्मा को बुलाना शुरू किया। 2 मिनट में ही वो आत्मा पूरी तरह से सामने उसके आकर खड़ी हो चुकी थी। अब उसने हिम्मत करते हुए उस आत्मा का नाम पूछा। उस आत्मा ने अपना नाम बता दिया। अब बारी थी ये जानने की कि वो सिट्टू से क्या चाहती है और वो क्यों इतने सालों से उसके साथ उसके पीछे साए की तरह लगी हुई है। सिट्टू ने जैसे ही ये सवाल किया, उस आत्मा ने तुरंत भड़कते हुए कहा, इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन कर यहाँ अपने घर में कैद कर लिया है, जिसे मैं वापस लेने के लिए आई हूँ। ये बात सुनते ही सिट्टू के होश उड़ चुके थे। उसे तो पता भी नहीं था कि उसने ये कब और कैसे किया। ये सवाल तुरंत ही पंडित जी ने सिट्टू के पूछने से पहले ही उस आत्मा से पूछ लिया। तब उस आत्मा ने ये बात बताई कि उसने पहले भी ये क्रिया की थी और एक आत्मा को अपने पास बुलाया था, लेकिन उस आत्मा को भेजने के बजाय उसने उस क्रिया को बीच में ही खंडित करके अपना बनाया हुआ प्लानचेट फाड़ कर टॉयलेट में बहा दिया था, जिसके वजह से उसका बच्चा उसी घर में उसी लड़की के वजह से कैद होकर रह गया है, और वो वहाँ पर अपने बच्चे को छुड़ा कर उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है। उसने सिट्टू को ये बात कोमा में रहते हुए भी बताई भी थी और दिखाई भी थी। जो बात सिट्टू पूरी तरह से कोमा से वापस आने के बाद भूल चुकी थी। अब जैसे ही आत्मा ने ये बात बताई, सिट्टू को सारी बातें एक एक करके पूरी तरह से याद आने लगी, और उसने तुरंत उस आत्मा के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगना शुरू किया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई है, मैंने जानबूझकर तेरे बच्चे को कैद नहीं किया,
मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जो क्रिया कर रही हूँ उससे क्या हो सकता है और क्या हो जाएगा। ये मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब पंडित जी ने बच्ची को खुद को संभालने को कहा और कहा, अगर तुमने उसे कैद किया है तो तुम ही उसे यहाँ से आज़ाद भी कर सकती हो। आज़ाद करने की प्रक्रिया भी पंडित जी ने सिट्टू से करवाई। सिट्टू ने जैसे ही वो प्रक्रिया खत्म की, तुरंत उन सब के सामने उस औरत की आत्मा के साथ साथ एक बच्चे की आत्मा भी आकर खड़ी हो चुकी थी। और अब पंडित जी ने उस आत्मा से ये कहा कि तू जिसे लेने के लिए यहाँ पर आई थी वो अब यहाँ पर तेरे साथ है, इसे ले और चुपचाप यहाँ से चली जा। इस बच्ची को आगे से ना तो कभी दिखना और ना ही कोई नुकसान पहुँचाना। फिर पंडित जी ने उस आत्मा को वहाँ से भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में वो दोनों आत्माएं वहाँ से जा चुकी थीं। अब उन दोनों आत्माओं की मुक्ति तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आत्मा काफ़ी समय से इस बच्ची के साथ थी, इस वजह से उसे एक सुरक्षा कवच की ज़रूरत थी जो कि पंडित जी ने बनाकर सिट्टू के गले में धारण करवाया। और तो और उसे नियम से हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा, जो कि उसने नियम से शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी किसी चीज़ से उसका ना तो सामना हुआ और ना ही उसने अपने ज़िंदगी में दोबारा ऐसी कभी कोई गलती करने की सोची। अब वो एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी बिता रही है अपने पति और बच्चों के साथ। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।